आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज मनीष शर्मा। देखिए, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था इकोनॉमिक्स का, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स के संबंध में अपना लेसन नंबर सेकंड चल रहा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। उस लेसन में अभी तक अपन ने जो वीडियो पढ़े हैं वो फोर्थ वीडियो के अंतर्गत ये पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अंतर्गत दो अप्रोच होते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। उनके बारे में अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का जो वीडियो है उसमें अपन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला था कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप्स का नाम है टोटल यूटिलिटी यानी DU, सेकेंड टाइप्स का नाम है मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU। दोबारा से बता देता हूँ, जो प्रीवियस वीडियो अपन ने पढ़ा था उस वीडियो के अंतर्गत फर्स्ट टाइप जो यूटिलिटी का है वो है टोटल यूटिलिटी यानी TU। जो सेकेंड टाइप है उसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU। ठीक है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या है, यूटिलिटी के प्रकार है। इसमें TU तो आप पढ़ चुके हो। TU में आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी गुड्स एंड सर्विस की कंटिन्यू यूनिट्स का अगर आप यूज करते हो तो उन सब से मिलने वाली यूटिलिटी को ऐड करते चलोगे, जोड़ते चलोगे, तो उससे जो चीज प्राप्त होगी उसे किस नाम से जाना जाएगा, टोटल यूटिलिटी के नाम से जाना जाएगा। यानी MU का टोटल ही किस नाम से जाना जाता है, टोटल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। आज यहां पर आप और मैं मिलकर सेकंड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी MU। MU में क्या बताए गए हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसको हिंदी में सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर्गत क्या होता है कि क्वांटिटी में चेंज होने के कारण किस में चेंज हो जाता है, टोटल यूटिलिटी में चेंज हो जाता है, जिसे ही किस नाम से जाना जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखना, क्वांटिटी में चेंज होने के कारण टोटल यूटिलिटी में जो चेंज हो जाता है उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है डेल्टा TU बटे डेल्टा Q, यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी अबो चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, किसके कारण किसमें परिवर्तन हो रहा है, क्वांटिटी के कारण टोटल यूटिलिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, मीनिंग अपने आप आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूले के अनुसार क्वांटिटी में चेंज होने के कारण डेल्टा किसका सिंबल है, चेंज का, क्वांटिटी में चेंज होने के कारण टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसे ही किस नाम से जाना जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। वापस सुन लेना, क्वांटिटी में चेंज होने के कारण टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसे ही किस नाम से जाना जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है उसको अगर ऐड करते चलेंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि जो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हैं उनमें दो बताया आपको, एक तो टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी के बारे में क्या बताया कि अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते चलोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या बताया कि एक एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करोगे, इंक्रीज इन क्वांटिटी यानी क्वांटिटी इंक्रीज करोगे, क्वांटिटी में चेंज करोगे तो किस में चेंज आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी में चेंज आ जाएगा। और जो चेंज आएगा उस चेंज को ही किस नाम से जाना जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब जो आगे ये फर्स्ट टॉपिक था आपका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, अब जो सेकंड टॉपिक है वो टॉपिक है टेबल ऑफ TU एंड MU, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की पहले आपको टेबल समझाई जाएगी। ठीक है, पहले टेबल बनती है इकोनॉमिक्स में, फिर उसका डायग्राम आता है। टेबल के अंतर्गत अपन देखेंगे
कि सबसे पहले यूनिट्स ऑफ एप्पल दे रखा है, यानी एप्पल की क्वांटिटी दे रखी है, क्यू दिखाई दे रहा होगा आपको। सेकेंड नंबर पे जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है वो एमयू का है, एमयू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीयू बटे डेल्टा क्यू। थर्ड जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है वो टोटल यूटिलिटी का है, जिसमें सिग्मा एमयू एमयू के टोटल को ऐड किया जाएगा। अब देखते हैं, देखने आगे के रूल्स अगर आपको बाद में स्टडी करवाई जाएगी। जैसे किसी भी गुड्स, कोई भी एनिमल, कोई भी गुड्स है, अगर आप उसे कंटिन्यू यूज में देते हो तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है उसे ही एमयू के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली उसे ही कहा जाता है एमयू। जैसे फर्स्ट क्वांटिटी आप यूज में लोगे एप्पल की, तो आपको कितनी यूटिल्स प्राप्त हो रही है, 10। बताया था ना मैंने आपको यूटिल्स किसे कहते हैं, यूटिल्स जो आप यूटिलिटी है उसको मापने की जो इकाई होती है, मेजरमेंट करने की, उसे किस नाम से जाना जाता है, यूटिल्स के नाम से जाना जाता है। अब आप फर्स्ट क्वांटिटी को यूज में लोगे तो आपको कितनी यूटिल्स प्राप्त होंगी, 10। सेकेंड क्वांटिटी यूज में लोगे तो आपको कितनी यूटिल्स प्राप्त होंगी, 6। थर्ड क्वांटिटी यूज में लोगे तो 4। फोर वाली को यूज में लेने पर 2। फाइव वाली एप्पल को यूज में लेने पर 0। और 6 वाली एप्पल को यूज में लेने पर किस में चली जाएगी, यूटिलिटी माइनस में चली जाएगी। यानी जैसे जैसे आप क्वांटिटी को इंक्रीज करते चलते हो वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, फिर 0 हो जाती है, और एंड में आकर वो किस में चली जाती है, माइनस में चली जाती है। यानी पहली एप्पल अगर आप यूज में लेते हो तो आपको 10 यूटिल्स प्राप्त हुई मान लो, दूसरी एप्पल खाओगे तो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 6। थर्ड वाली यूज में लोगे तो 4। फोर वाली यूज में लोगे तो 2। फाइव वाली यूज में लोगे तो 0। सिक्स वाली यूज में लोगे तो -2। यानी यहाँ पे आपने देखा कि यूटिलिटी यहां तक तो डिक्रीज ही हो रही है, लेकिन एक ऐसा समय आता है फाइव वाले पे, इस फाइव वाले यूनिट पे, जहां पर आके मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है वह फुली रूप से सेटिस्फाई हो जाता है। और उसके बाद में भी अगर किसी गुड्स एंड सर्विस का कंजप्शन किया जाता है, कौन सी का कर रहे हैं, 6 यूनिट का, तो यूटिलिटी इंक्रीज होने के बजाय या डिक्रीज होने की बजाय किसमें चली जाती है, माइनस में चली जाती है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, कि किसी भी गुड्स का अगर आप कंटिन्यू यूज करते हो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी पहले तो डिक्रीज होगी, फिर एक ऐसा समय आएगा कि अपन खुली रूप से सेटिस्फाई हो चुके हैं तो वो 0 हो जाएगी, और उसके बाद में भी अगर आप गुड्स एंड सर्विस को यूज में ले रहे हो तो किसमें चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि एमयू से टीयू कैसे प्राप्त होती है, ध्यान से देखना। अब टीयू का क्या फॉर्मूला लिख रखा है, सिग्मा एमयू, यानी एमयू को अगर आप ऐड करते चलोगे तो आपको टीयू प्राप्त हो जाएगी। फर्स्ट वाले कितनी दे रखी है एमयू, 10 दे रखी है, 10 ऐसा का ऐसा आप यहाँ पे उतार दो। ठीक है, अब सेकंड वाले कितनी दे रखी है, 6, तो एमयू का ऐड कराएगा ना, तो 10 प्लस 6 यहाँ कितना जाएगा, 16। ठीक है, फिर 16 में कितना और ऐड करोगे आप, 4। 16 तो आएंगे आपके पास, थर्ड वाले से कितनी प्राप्त हो रही है आपको, 4, वो और ऐड कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 20। एक 20 में कितना ऐड कर दोगे आप, 2 ऐड कर दोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 22। फिर 22 में कितना ऐड कर दोगे, 0। 22 में 0 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 22। अब 22 में से ये माइनस किया ना, इसको लेस कर देना, 22 माइनस 2 तो कितना बच जाएगा, 20। समझ में आया कि मार्जिनल यूटिलिटी का ऐड ही टीयू कहलाता है। तो सबसे पहले कितनी प्राप्त हो रही है, 10। फिर 10 में कितना ऐड किया, 6। 16। 16 में कितना ऐड किया, 4। 20। 20 में 2 ऐड किया तो 22। 22 में 0 ऐड किया तो 22। और 22 में से 2 अगर लेस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 20। इस प्रकार से मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी प्राप्त की जा सकती है। कैसे, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होगी प्रत्येक गुड्स को यूज में लेने पर आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होगी उसको आप ऐड करते चलिए। यहाँ पे सिग्मा का अर्थ क्या होता है, टोटल होता है।
सिग्मा का अर्थ आप यहाँ पे क्या है, टोटल है, टोटल करते चलिए, एमयू का टोटल करते चलिए, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, टीयू प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इस टेबल के माध्यम से सबसे पहले अपन ने यह स्टडी की कि एमयू के माध्यम से क्या प्राप्त की जा सकती है, टीयू प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब आगे हम यह स्टडी करेंगे कि एमयू से तो आपने टीयू निकालना सीख लिया, अब टीयू से आप क्या निकालना सीखोगे, एमयू। ध्यान से देख लेना, अभी तक आपने जो देखा वो था एमयू से टीयू निकालना, अब आपको टीयू से क्या निकालना है, एमयू। आप इस संख्या को एक बार भूल जाइए कि आपके पास ये संख्या दे रखी है, ठीक है, इसको भूल जाते हैं। अब मान लो ये चीज आपको नहीं दे रखी है, ठीक है, साफ कर देता हूं, देखते हैं। ओनली आपको क्या दे रखा है, टीयू दे रखा है, क्या दे रखा है, टीयू दे रखा है, और टीयू से आपको क्या निकालना है, एमयू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एमयू से टीयू निकाल सकते हैं और टीयू से क्या निकलवा सकता है, एमयू। मैंने एमयू से टीयू निकालना तो आपको बता दिया, लेकिन टीयू से एमयू कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे आप देखना, ठीक है। देखिए क्या फॉर्मूला था, डेल्टा टीयू बटे डेल्टा क्यू। तो फर्स्ट वाले में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, फर्स्ट यूनिट में तो कोई चेंज नहीं होता है, तो आप ऐसा कैसा रख दो, कोई चेंज नहीं होता फर्स्ट यूनिट में, ऐसा कैसा उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। सेकंड वाले में देखना टोटल यूटिलिटी जो है ना उसमें कितना चेंज हो रहा है, 10 और 16 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का, और क्वांटिटी में 2 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, 6 में 1 से डिवाइड कर दो 6। अब देखेंगे टोटल यूटिलिटी में थर्ड वाले यूनिट में 16 और 20 के बीच में कितना चेंज है, 4 का, और 2 और 3 के बीच में कितना चेंज है, 1 का, तो यहां कितना जाएगा, 4, ठीक है। अब आगे देखेंगे फोर्थ वाले यूनिट में 20 और 22 के बीच में कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, 2 का, और इधर 3 और 4 क्वांटिटी के बीच में कितना डिफरेंस दिख रहा है, 1 का, और 2 में 1 से डिवाइड किया तो कितना देंगे, 2। अब आगे देखेंगे 22 और 22 के बीच में कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, 0 का, और 4 और 5 यूनिट्स के बीच में कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, 1 का, ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 0 में 1 का डिवाइड किया तो 0, ठीक है। और आगे आप देखोगे कि 22 और 20 में कितना डिफरेंस दिख रहा है, माइनस के 2 का, और 5 और 6 में कितना है, 1 का, तो कितना जाएगा, -2। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि आपने अभी तक ये निकालना सीखा था एमयू से टीयू, अब आपने टीयू से क्या निकाल लिया, एमयू। नॉर्मल तरीका है, फर्स्ट यूनिट को ऐसा कैसा रख दो, फिर डिफरेंस देखते चलो, 10 और 16 में कितने का डिफरेंस है, 6, इधर क्वांटिटी में कितने का डिफरेंस है, इधर तो सब में 1 1 का ही दिखाई दे रहा है आपको, 1 से 2 में 1 का, 2 से 3 में 1 का, 3 से 4 में 1 का, 4 से 5 में 1 का, 5 से 6 में 1 का, 1 1 का है, बस ये डिफरेंस आपको देखना है। 10 से 16 में कितने का डिफरेंस है, 6 का, 6 में 1 का डिवाइड दे दो, 6 आ जाएंगे। 16 से 20 में कितने का डिफरेंस है, 4, 4 में 1 का डिवाइड दे दो, 4 आ जाएंगे। 20 से 22, ये डिफरेंस देखना आपको, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 6 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 4 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का, ठीक है। अब आगे कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 22, 0 का, अब 0 में 1 का भाग दिया, 0। अब इधर 22 से 20 के बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको बताइए, माइनस के 2 का, अब माइनस के 2 में 1 से डिवाइड दिया तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 2। इस प्रकार से अपन एमयू से क्या निकाल सकते हैं, टीयू, और टीयू से आप क्या निकाल सकते हो, एमयू, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल आता है आपके 4 नंबर में तो आपको हो सकता है कि एमयू दे दी जाए, टीयू ना दी जाए, और टीयू दे दी तो एमयू नहीं देगा, दोनों में से एक चीज देगा दूसरी चीज नहीं देगा, तो आपको फिल करनी पड़ेगी। ऐसे एमयू दे दिया तो टीयू कैसे निकालोगे, एमयू को ऐड करते चलोगे,
और आपको अगर टीयू दे दिया और एमयू निकालने के लिए कह दिया, तो आपको क्या करना है, डेल्टा टीयू बटे डेल्टा क्यू। इस प्रकार से ये टेबल कंप्लीट हो जाए। अब आप एक एग्जांपल देखना, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है ना इसमें, फोन नंबर में या टू नंबर में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे फिल करना पड़ेगा। देखना, क्वांटिटी दे रखी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एमयू दे रखा है मान लो आपको 20, ठीक है, 16 8 4 0 -4, ठीक है, ये आपको एमयू दे रखा है। इससे आपको अब क्या निकालना है, टीयू निकालना है। क्या निकालना है, टीयू। कैसे निकालोगे, ऐड करते चलो, अभी तो बताया था मैंने सिग्मा एमयू, एमयू को ऐड करते चलोगे, 20 20 में 16 ऐड किए तो कितने आ जाएंगे, 36, ठीक है, 36 प्लस 8 ऐड करो कितने आ जाएंगे, 44, 44 में 4 ऐड किए तो कितने आ जाएंगे, 48, 48 में 0 ऐड किया तो कितना जाएगा, 48, और 48 में से 4 लेस कर दिया तो कितना जाएगा, 44, हो गया। अब ये तो था एमयू से टीयू निकालना, निकल गया। आपको अगर क्या दे रखा हो, टीयू दे रखा हो, ठीक है, क्या दे रखा हो, टीयू दे रखा हो। मैंने आपको एमयू से टीयू निकालना बता दिया, देख लेना, 20 20 में 16 ऐड किया तो 36, 36 में ऐड ऐड किया तो 44, 44 में 4 ऐड किया तो 48, 48 में 0 ऐड किया तो 48, तो 44 में से 4 लेस किया तो 44, ठीक है, 48 में से 4 लेस किया तो 44, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसके माध्यम से, टीयू के माध्यम से किसको समझेंगे, एमयू को। ध्यान से देखना बोलते, दे रखा है, ठीक है, 44, 48, 48, 44, और इधर की ये जो है वो आपको नहीं दी हुई है, ठीक है, ये आपको फिल करनी है। क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं आपको यहाँ पे, या ऐसे ब्लैंक भी दे सकते हैं, आपको फिल करना पड़ेगा उसे, ठीक है ना। जैसे मान लो ब्लैंक दिया है तो अब आप किसको फिल करना है, तो फिल करने के लिए आप ब्रैकेट भी यूज में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको ये फिल करना है तो ब्रैकेट भी यूज में ले सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज फिल करनी है आपको, यानी पूरा करना है, ये जितने भी कॉलम दिए है ना खाली छोड़े हुए, इनको पूरा करना है। तो फर्स्ट वाला ऐसा कैसा जाएगा, 20, फिर क्या बताया फॉर्मूला, डेल्टा टी बटे डेल्टा क्यू, तो कितना चेंज आ रहा है इसमें, 16 का रख दो डेल्टा टी, क्वांटिटी में कितने का चेंज आ रहा है, 1 का रख दो यहाँ पे, बोला कितना जाएगा, 16, ठीक है। अब यहां कितना चेंज आ रहा है, 36 से 44 में 8 का, अब 8 इधर कितना चेंज आ रहा है, 2 और 3 में 1 का, 1 रख दो, ठीक है, 8 आ जाएगा। इधर कितने का चेंज आ रहा है, 4 का, इधर वापस 1 का, 4 में 1 से डिवाइड किया, 4 आ जाएगा, ठीक है। इधर 48 से 48 में कितना चेंज आ रहा है, 0 का, 0 रख दो। इधर 4 से 5 में कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, 1 रख दो, 1 आ जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, ठीक है। 48 से 44 में कितने का चेंज आ रहा है, माइनस के 4 का, और माइनस के 4 में 1 से किया तो कितना जाएगा, माइनस का 4। इस प्रकार से आप एमयू से टीयू और टीयू से क्या निकाल सकते हो, एमयू, ठीक है। एमयू से टीयू निकालना भी आसान है, क्या करना है आपको, एमयू को ऐड करते चलना है,
और टीयू से अगर आप एनयू निकालना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा टीयू बटे डेल्टा क्यू। क्वांटिटी में चेंज के कारण टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आता है, उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाएगा। ये दोनों आपको करने स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़े वो थे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में, यानी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। टोटल यूटिलिटी जो होता है, ठीक है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते चलते हैं तो टोटल यूटिलिटी, और जो मार्जिनल यूटिलिटी का टॉपिक आज आपने पढ़ा उसका फॉर्मूला था डेल्टा टी यू बटे डेल्टा क्यू, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों टॉपिक के बारे में आप पढ़ चुके हो। इन टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।